गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भादरा के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन में मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल हमने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 6 त्रिकोणमिति है अनुपात। हमने उनका सामान्य परिचय किया था। एक्सरसाइज 6 कौन सी है भाई? त्रिकोणमिति है अनुपात। त्रिकोणमिति है अनुपात। एक बार फिर से थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बताया मैंने कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस में मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापन, अर्थात त्रिभुज का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। उसके बाद हमने किया कि त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या 6 होती है, जिसमें से नंबर 1 पे आता है आपका साइन थीटा। नंबर 1 पे आता है साइन थीटा, नंबर 2 पे आता है आपका कोस थीटा, नंबर 3 पे आता है आपका टेन थीटा, नंबर 4 पे आता है आपका कोट थीटा, नंबर 5 पे आता है आपका सेक थीटा और नंबर 6 पे आता है कोसेक थीटा। और फिर इनके मान निकाले हमने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की कितनी होती है? 1। आप देखिएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तीसरा मैंने बताया कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ इसको मैंने इससे भाग दिया तो यहाँ कितना आया, 0 को 1 से भाग दिया कितना आया? 0। इसको इससे भाग दिया तो कितना आया? 1/√3। और इसको इससे भाग दिया कितना आ गया? 1। इसको इससे भाग दिया कितना आया? √3। और 1/0 क्या होता है भाई? अनंत। उसके बाद यहाँ अनंत, √3, 1/√3 और 0। उसके बाद देखिएगा बेटा आप sec थीटा, sec थीटा बताया मैंने कि किसका उल्टा होता है भाई? cos का। तो cos का उल्टा करेंगे, 1/1 कितना होता है? 1। और इसका उल्टा कितना हो गया? 2/√3। और यहाँ आ गया √2, यहाँ आ गया 2 और यहाँ बोलिएगा 1/0 क्या होता है? अनंत। और इसका फिर उल्टा करेंगे, अनंत, उसके बाद आपका 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 और 1। ये मैंने आपको कल करवाया था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं 6.1, एक्सरसाइज 6.1, जिसका मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिएगा आपकी छठी प्रश्नावली है वो इन्हीं के बेस पे है। अगर आपको ये सारणी आती है तो आपका 6.1 एक्सरसाइज 6 ही क्लियर है, ये मान के चलना। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया 2 sin 45 डिग्री into cos 45 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चन आपका है 2 sin 45 डिग्री into cos 45 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है। तो आप देखिएगा 2 में साइन 45 डिग्री का मान कितना है? देखिए यहाँ साइन 45 डिग्री का मान कितना है भाई? 1/√2। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट की 1/√2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब आपस में क्या हो रहा है भाई? गुणा हो रहा है। और कोस 45 डिग्री का मान भी कितना है? 1/√2। यहाँ भी इसका मान 1/√2 है। तो अब देखिए 2 into 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया, √2 को √2 से गुणा किया, रूट को रूट से गुणा किया, रूट के अंदर एक ही संख्या है तो रूट क्या हो गया? कैंसल। तो यहाँ कितना बच गया भाई? 2 से 2 काट दिया, अब आपका 1 1 1 1 1, तो आपका आंसर कितना आ गया? 1। अगर आपको ये सारणी क्लियर है तो आपको 6 एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट नहीं आएगा। जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन रखता हूँ यहाँ,
आपका दूसरा क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो भाई। आपका क्वेश्चन नंबर दो है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान निकालो। तो अब आप देखिएगा बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, अंडर रूट 3/2। उसके बाद देखिए कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से देखिएगा अंडर रूट 3/2, यहाँ भी रूट 3/2 है। उसके बाद आप देखिएगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2, और आपका कोस 60 डिग्री भी कितना है भाई 1/2। इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ कि साइन 60 की जगह मैंने क्या रखा, अंडर रूट 3/2 इंटू में कोस 30 की जगह भी मैंने क्या रखा भाई, अंडर रूट 3/2। साइन किसका है भाई, प्लस का। साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, इंटू में कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है भाई 1/2। अब देखिएगा रूट को रूट से गुणा किया, रूट के अंदर एक ही संख्या है तो आपका रूट क्या हो गया भाई कैंसल, आपका रूट क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ कितना बच गया 3, और 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस में 1 को 1 से किया कितना आ गया 1, और 2 को 2 से किया कितना आ गया 2 × 4। अब देखिएगा बेटा यहाँ आपका एलसीएम कितना आ गया 4, 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, चिन्ह किसका है बीच में भाई प्लस का, 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 एकम 1, तो आपका आ गया बेटा 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/4 अर्थात आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन इसी सारणी के बेसिस पे है, एक बार इसको आप उतार लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिएगा इसका मान निकालना है आपको, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। तो आप देखिएगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू, अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, 1/2 होती है। उसके बाद देखिए कोस 45 डिग्री की वैल्यू, कोस 45 डिग्री की वैल्यू बोलिए कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2। फिर आती है टेन 60 डिग्री की वैल्यू, बेटा टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। सबसे पहले हमने इनके मान रखे कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 45 डिग्री की होती है 1/√2, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसमें मैं मान रखता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और स्क्वायर है तो क्या हो गया भाई 1/2 की स्क्वायर। अब साइन किसका है बीच में प्लस का, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई 1/√2, तो यहां 1/√2 की क्या कर दी भाई मैंने स्क्वायर। उसके बाद साइन आपका प्लस है,
थ्री इंटू टेन, साठ की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट थ्री। और यहाँ क्या है बेटा? स्केयर। तो हमने रूट थ्री की क्या कर दी भाई? स्केयर। अब आगे आप देखिएगा, आगे आप देखिए 1/2 की स्केयर, एक की स्केयर कितना होता है? एक। और दो की स्केयर कितना होता है? चार। साइन किसका है बीच में भाई? प्लस का। और यहां क्या है? दो इंटू एक की स्केयर कितना होता है? एक। और रूट टू की स्केयर, रूट टू को रूट टू से गुणा किया, रूट को रूट से गुणा किया, रूट के अंदर एक ही संख्या है तो रूट क्या हो गया भाई? कैंसल हो गया। तो आपका कितना बच गया? यहां टू आ गया, रूट कैंसल हो गया, क्या बच गया? टू। साइन किसका है बीच में? प्लस। अब देखिएगा थ्री इंटू रूट थ्री को रूट थ्री से गुणा किया, रूट के अंदर एक ही संख्या है, रूट क्या हो गया? कैंसल। तो आपका यहां बच गया थ्री। आपका आता है 1/2, 1/4 प्लस 2 एक को एक से गुणा किया कितना आ गया? एक। प्लस में कितना आ गया? तीन थी ये, नौ। अच्छा बेटा मेरे को ये बताएं, 9/1, 1/1 लिख सकता हूं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया? चार। चार को चार से भाग दिया, कितना आया? एक। एक एकाम एक प्लस एक चौके चार, चार एकाम चार प्लस एक चौके चार, चार को नौ से गुणा किया कितना आ गया भाई? 36। अब आप मुझे बताएं 36 और चार 40 और एक कितना हो गया? 41। 41/4, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 सही 1/4। ये आपकी क्या आ गई? वैल्यू। अब देखिए मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूं। आपके पास क्वेश्चन है साइन स्केयर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्केयर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्केयर 60 डिग्री। अब यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कोस 45 की होती है 1/√2, टेन 60 की होती है √3। तो मैंने इसमें वैल्यू रखी, यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, स्केयर है तो भाई इसका भी क्या हो गया? स्केयर। साइन किसका है बीच में? प्लस का। 2 इंटू कोस 45 की है 1/√2, और यहां भी बेटा स्केयर है तो यहां भी क्या हो गया? स्केयर। साइन किसका है बीच में? प्लस का। 3 इंटू टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और यहां स्केयर है तो ये भी स्केयर हो गया। अब देखिए एक का वर्ग होता है एक, और दो का वर्ग कितना हो गया? चार। तो यहां आ गया 1/4। साइन आपका प्लस है, 2 इंटू एक का वर्ग एक, रूट दो का वर्ग का मतलब हो गया रूट दो को रूट दो से गुणा कर रहे हैं, रूट के अंदर एक ही संख्या है तो रूट क्या हो गया भाई? कैंसल हो गया। तो बेटा आपका कितना बच गया? 1/2। साइन बीच में किसका है? प्लस का। अब देखिए 3 इंटू, अब आप मुझे ये बताएं रूट तीन का वर्ग मतलब रूट तीन इंटू रूट तीन, रूट से रूट क्या हो गया? कैंसल। क्या बच गया भाई? तीन बच गया। तो अब देखिए 1/4, 2 से 2 कट गया, यहां कितना बच गया? एक। और 3 * 9, इनके बटा में मैं एक रख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका एलसीएम आ गया चार, चार एकम चार, एक एकम एक, साइन है प्लस का। अब यहां एक चौके चार, चार एकम चार, एक चौके चार, चार को 9 से गुणा किया 36 आ गया, 36 और 4 40 और 1 41/4, 41/4 अर्थात 10 सही 1/4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला प्रश्न देखिएगा आप, इससे अगला प्रश्न रखता हूं मैं। अगला प्रश्न आपका है 2 टेन स्केयर 30 डिग्री। आपका क्वेश्चन है 2 टेन स्केयर 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्केयर 30 डिग्री। आपका अगला क्वेश्चन है 2, यहां बेटा स्केयर की, यहां 2 टेन 30 डिग्री है, 2 टेन 30 डिग्री
एक माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है और आपको वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिएगा बेटा, यहां मैं वैल्यू रखता हूं, पहले तो देखिए टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और तो इसमें वैल्यू रखनी नहीं है। अब देखो 2 × tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3 बटे में 1 − tan²30 डिग्री, tan 30 की कितनी है, 1/√3, और इसकी क्या होगी बेटा स्केयर। अब देखिए 2 × 2 बटे में √3, और यहां आप देखिएगा 1 − 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और √3 का वर्ग कितना होता है, 3, क्योंकि रूट को रूट से गुणा करेंगे, रूट के अंदर एक ही संख्या है, रूट क्या हो गया भाई कैंसल, तो यहां आपका आ गया 1/3। अच्छा इसको मैं 1/1 मान लूं क्या, अब आपका 2/√3 तो ठीक है, सेम है, यहां नीचे देखिएगा एलसीएम कितना आ गया 3, 1 को 3 से भाग दिया, 3 × 3 = 3, साइन किसका हो गया भाई माइनस का, 3 को 3 से भाग दिया 1 × 1 = 1, तो आपका आ गया 2/√3, 3 में से एक गया भाई 2, 2/3 कितना आ गया 3। अब भाग को मैंने गुणा में चेंज किया तो नीचे वाली भिन्न चेंज होगी, इसका ये हर है ऊपर आ जाएगा और ये क्या चला जाएगा नीचे, तो यहां 2/√3 इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया भाई 3/√3, और मैं 3 को क्या लिख सकता हूं भाई, √3 × √3, और बटे में कितना है भाई √3, ये आपस में कट गया, आपका आंसर कितना आ गया √3। ये आपका 6.1 का 10वां क्वेश्चन है भाई। अब देखिएगा एक बार मैं फिर से रिपीट करवाता हूं, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 − tan²30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो आपका आ गया 2 × 1/√3, 1 − 1/√3 की स्क्वायर। अब यहां देखिए 2/√3, 1 − 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3 हो गया, तो 2/√3 1/1 मान लिया मैंने, माइनस का 1/3, नीचे एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए 1 + 3 = 3, माइनस का कितना है 1, तो 2/√3 / 2/3। अब भाग को मैंने गुणा में चेंज किया तो नीचे वाला चेंज हो गया, अब 2/√3, यहाँ 2/3 है तो यहाँ कितना आ गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3/√3। अब आपका देखिए 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √3 × √3, और बटे में कितना है √3, रूट से रूट कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया भाई √3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इजी प्रश्न था। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपका एक बार आया हुआ भी है। आपका क्वेश्चन ये है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक्स 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। एग्जाम में आया हुआ है भाई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान से समझना भी इसको। अब देखिए सबसे पहले इनकी वैल्यू रखता हूं मैं साइन 30 डिग्री, अब आप मुझे बताएं साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री मैं सीधा ही वैल्यू रखता हूं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है भाई, और प्लस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस
कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2 बटे में अंडर रूट 3, और बटे में सेक 30 की भी कितनी होती है? 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस कोट 45 की कितनी होती है? 1। सबसे पहले हमने क्या किया, इन सब का मान रखा, और मान किस किस का आपको पता है? सारणी के अनुसार साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, टेन 45 की होती है 1, और कोसेट 60 डिग्री की होती है 2/√3, और यहाँ सेक 30 की होती है 2/√3, कोस 60 की होती है 1/2, और कोट 45 की क्या होती है? 1। मैंने यहाँ इनकी वैल्यू रख ली। अब आप देखिए बेटा, मेरे को ये थोड़ा सा बताइएगा कि अगर मैं 1/2 और 1 को पहले जोड़ लूँ, अगर आप इस प्रकार करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखिए, मैंने 1/2 को 1 से जोड़ा, तो मुझे बताएं 2 एलसीएम आ गया, 1+2 अर्थार्थ कितना हो गया? 3/2। 1 और आधा डेढ़ होता है ना, डेढ़ क्या होता है? 3/2, मतलब कि 1/2 को मैंने 1 से प्लस किया तो आपका कितना आ गया? 3/2। अब आप देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3/2, ध्यान से समझिएगा, माइनस 2/√3। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई, इनको मैंने जोड़ लिया, अच्छा बटे में 2/√3 तो सेम है, प्लस में ये भी कितना हो गया? 1/2 और 1 कितना होता है? 3/2। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। इनको मैंने जोड़ लिया, 1/2 को 1 और 1 को जोड़ा तो कितना आया? 3/2। इन दोनों की जगह मैंने 3/2 रख दिया। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब देखिए, मैं यहाँ इनका एलसीएम लेता हूँ, 2/√3, इनका एलसीएम क्या आ गया? 2/√3, इनका एलसीएम कितना आ गया? 2/√3। अब देखिए बेटा, 2 को इससे डिवाइड किया तो 2 से 2 तो कट गया ना, क्या बच गया यहाँ? √3। ध्यान से समझना, √3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका? 3/√3। यहाँ तक कोई डाउट है? इसका ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 2/√3, 2/√3। अब इसको इससे भाग दिया तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया? √3, और √3 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 3/√3। अब बेटा बताएं, साइन किसका? माइनस का। साइन आपका माइनस का है, √3 को √3 से डिवाइड किया, 2/√3 को √3 से डिवाइड किया तो √3 से 3 तो कट गया, क्या बच गया? 2, और 2 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बटे में अब नीचे वाले का भी देखो, इसका भी एलसीएम कितना आ गया? 2/√3। इसका भी एलसीएम आ गया 2/√3। अब देखो, √3 को इससे भाग दिया, 2 बच गया, 2 × 4। यहां तक क्लियर है? साइन किसका है बीच में? प्लस का। अब इसको भाग दिया तो बोलिए क्या? 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? √3। √3 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 3/√3। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। मैंने क्या किया, इन ऊपर वाली भिन्न का एलसीएम अलग लिया, इसका एलसीएम अलग लिया, तो यहाँ तक आ गया। अब देखिए, मैं भाग को गुणा में चेंज करता हूँ तो आपका आता है 3/√3 माइनस का 4 बटे में 2/√3। नीचे वाली भिन्न चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा? नीचे। तो 2/√3 बटे में 4 प्लस 3/√3। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। 2/√3 आपस में क्या हो गया भाई? कैंसल। आपस में क्या हो गया? कैंसल। अब आप देखिएगा, यहां क्या बच गया? यहां बच गया आपका 3/√3 माइनस का 4 बटे में
चार प्लस तीन अंडर रूट तीन। यहां तक कोई डाउट है? इसके बाद आप देखिएगा अब क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का अर्थ क्या है, तीन अंडर रूट तीन माइनस चार बटे में चार प्लस तीन अंडर रूट तीन। इसका परिमेयकरण करेंगे नीचे वाली भिन्न का, साइन चेंज करके एक बार गुणा करेंगे, एक बार क्या करेंगे भाग करेंगे, तो आपका आता है चार माइनस तीन अंडर रूट तीन। रेशलाइजेशन करेंगे भाई, चार माइनस तीन अंडर रूट तीन। अब आप आगे देखिएगा, यहां इनको आपस में गुणा करूंगा, इनको आपस में गुणा करूंगा, यहां तक क्लियर है भाई। अब देखो तीन रूट तीन को चार से किया, चार तीये बारह, बारह रूट तीन, तीन रूट तीन को इससे किया, तीन तीये नौ, रूट तीन को रूट तीन से गुणा किया, कितना आ गया सत्ताईस, तो माइनस का सत्ताईस। रूट तीन, तीन रूट तीन का मैटर कंप्लीट, बच गया चार, चार चौके सोलह, प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके बाद देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, चार तीये बारह, बारह अंडर रूट तीन। अब ऊपर वालों को गुणा किया तो ये आया। अब यहां देखिए बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस ए बी स्केयर, तो ए की स्केयर का मतलब चार चौके सोलह, और बी की स्केयर तीन तीये नौ, और रूट तीन की स्केयर कितना होता है तीन, नौ तीये सत्ताईस, तो यहाँ कितना आ गया भाई सत्ताईस। उसके बाद आप देखिएगा सत्ताईस और सोलह कितने होते हैं, सात और छः तेरह, चार कितना हो गया माइनस का तिरालीस, रूट तीन कितनी बार है बारह बार, रूट तीन कितनी बार है बारह बार, बारह और बारह चौबीस, कितनी बार भाई चौबीस अंडर रूट तीन, और बटे में क्या बच गया भाई यहाँ माइनस का ग्यारह। अब बेटा देखो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ, कभी भी हर को माइनस नहीं रखना है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो तिरालीस, ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ गया माइनस, कितना भाई चौबीस अंडर रूट तीन, और बटे में कितना है माइनस का ग्यारह, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया तिरालीस माइनस चौबीस अंडर रूट तीन बटे में ग्यारह। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ, सबसे पहले हमने वैल्यू पुट की, ये वैल्यू रखने के बाद इनका एलसीएम लिया तो अपने पास ये प्राप्त हुआ, फिर भाग से क्या किया गुणा में किया, तो यहाँ दो रूट तीन, दो रूट तीन आपस में क्या हो गया कैंसल हो गया, फिर इसका रेशलाइजेशन किया, इसका साइन चेंज करके एक बार गुणा कर दिया और एक बार क्या कर दिया भाग कर दिया, इनको आपस में गुणा कर दिया, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला लग गया ए स्केयर माइनस ए बी स्केयर। ध्यान रखना यहाँ तीन ती है नौ, और रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे, क्या आ गया भाई तीन सत्ताईस, तो माइनस का क्या हो गया सत्ताईस, तो आपका ये आया। अब यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, क्योंकि हर को कभी भी माइनस में नहीं रखना है, और आपका आंसर ये आ गया। आपको 6.1 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करना है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।